कविता सेठ का बचपन बरेली शहर में बीता। जानेंगे बचपन की कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ पन्ने, जिंदगी के। कैसा रहा आपका बचपन बरेली में? बहुत ही अच्छा रहा। मैं एक बहुत साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बैंक में जॉब करते हैं। दीवानगी रही बचपन से ही म्यूज़िक को लेकर के। मैं कई बार सोचती हूँ, मुझे लगता है कि कोई पिछले जन्म में कुछ अतृप्त आत्मा रह गई होगी म्यूज़िक की, जब मेरे शरीर में आई है। और पागलपन की हद तक जो बोलते हैं, हाँ, उस तरीके से दीवानापन था। मेरे फादर मुझे दरगाहों पर लेके जाते थे बरेली में। खानकाह नियाज़िया जो बीज थे वो उस वक्त जहन में पड़ चुके थे सूफ़ी म्यूज़िक के। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, गज़ल्स गाती थी, फोक भी गाया और मॉडर्न सॉन्ग्स जो कहते हैं, वो सारी चीज़ें ट्राई की। लेकिन एक छटपटाहट हमेशा रही कि उस वक्त जब मुझे कोई नहीं जानता था दिल्ली में जब थी, तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे ज्वाला प्रसाद जी, कुछ लिरिक्स लिख करके दी और कहा कि ये गाना है। तो उसमें ऐसा था कुछ, आ जा होंठों से लगा लूँ, बाहों में छुपा लूँ टाइप का ना। मैंने कहा आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू सिंग दीज लाइन्स। तो बोले तुम्हारी औकात क्या है जो तुम इस तरीके से बात कर रही हो? मैंने कहा औकात की बात नहीं है, मुझे मैं नहीं हूँ कम्फर्टेबल। फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ भी रबिश कुछ नहीं गाना है, जो भी और जो मुझे पोइट्री अपील करती है मैं सिर्फ वही गाऊंगी। और बल्कि जब मैं घर आई, मैंने हस्बैंड से शेयर किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, लेकिन मैं उनको मना करके आ गई। तो वो खुश हुए, बोले ठीक है जो तेरा दिल करता है वो करो, क्योंकि जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो वो ना उस चीज़ के साथ न्याय होगा ना आप खुद के साथ कर पाओगे। घर पर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला, एज पेरेंट्स भी आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि आई एम वेरी लकी, और जिस तरीके से मैंने चाहा वैसे मोल्ड किया। बचपन से ही सूफी म्यूजिक में शौक रखने वाली कविता दरगाहों में परफॉर्म करती थी। उनसे जुड़ी कुछ यादें, कुछ किस्से और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम।